हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और व्लॉग स्टार्टिंग लेट हो रही है, काफ़ी लेट हो रही है, और 9:45 हो चुका है। यहाँ पे काम चल रहा है और आज मैं निश्चिंत हूँ कहीं बनाना है, क्योंकि हमारा भी मटन पड़ा हुआ है, चावल भी है हमारे पास। और ये कि बस अभी बच्चों के लिए बनाऊँगी, कड़ी बना लूँगी या कुछ चावल उनके लिए बनाऊँगी, वो भी अभी नहीं दिन में, क्योंकि बच्चे गए स्कूल। श्रेया तो नहीं गई, श्रेया बोलती ना थोड़ा सा ना उसको पेन हो रहा है, आँखों में थोड़ा सा पेन हो रहा है बोली, तो वो अपनी नींद पूरी कर रही है। और दिया को दिया की चाबी मिल गई थी अलमारी की, तो उसने रात को नहा धो करके वो चले गई स्कूल को। और सुबह दिया के लिए मैंने नाश्ते बनाए थे मैक्रोनी, तो आज वो मैक्रोनी लेके गई है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय हमने एंजॉय कर ली है थोड़ी देर। उनके पति देव का काम चल रहा है, पेंटर भैया लोग भी पहुँच चुके हैं। आज चल रहा है छत का काम, तो छत का काम चल रहा है। आज हो जाएगा छत का काम? टाइम लगेगा ना, अंदर का जितना मतलब पेंट है सारा तो हो चुका है, बट संभालना है अभी बहुत सारा अभी अच्छा मेरा तो कमरा अभी बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है, बच्चों का कमरा बिल्कुल बिखरा पड़ा है, बैठा कमरे की हाल बहुत बुरे हैं। और पर्दे अब तो समझ में नहीं आ रहे कि कौन से कहाँ के पर्दे, क्योंकि सब जो धो के मैंने अलग अलग रखे थे, मैंने इनसे बोला कि लगा दो फटाफट, इन्होंने लगाए नहीं, अब वो सब हो गए मिक्स अप, सब पर्दों का अब पता नहीं है। तो फिलहाल तो लंच बनाना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आराम है, पर काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे अपने काम को भी करते हैं। और पतिदेव फिर से खुरापाती काम करने लग गए हैं, वो मेरे जितने क्रॉकरी वाले जो बाउल हैं, जो जिसमें हल्का हल्का थोड़ा डिफेक्ट हो गया, उन चीज़ों को उसमें कहते हैं मैं जो छेद करना है, मैं पोट बना के उसमें पेड़ पौधे लगाऊंगा बोल रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि पहले वो दिलाओ तब दूंगी करके, पर मान नहीं रहे। देखो छेद कर दिया है और ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ था, बस हल्का सा भाई ये हल्का सा चम्मच टक हो गया था, तो टूटा तो है यहाँ पर, हाथ कटने का डर है वहाँ पर। पर आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मुझे लेके दोगे, प्लीज यार ऐसा मत करो, मजाक मत करो यार, अगर तुमने नहीं लेके देना मैं देखना ना 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 नहीं लेके देना मुझे, तो ना 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 मुझसे कोई, मैं गुस्सा हो जाऊंगी मैं तुमसे। और इन्होंने यहाँ पे देखो ये भी थे और बाउल जो खराब हो रहे थे उनको भी छेद कर डाला आज, लाइट खुल तो जला ही नहीं हो रहा है, ये छेद कर दिया इसे, तो पता नहीं क्या रखा था तुमने मिट्टी कुछ, इसको भी छेद कर दिया। किसी और के घर में भी अगर पड़े तो मेरे पति को दे दो भाई छेद करने के लिए, सारे बर्तन में छेद करके पेड़ पौधे बो देंगे इंसान। ये देखो इतने बर्तनों को छेद कर दिया है रे, अगर आज हाँ हाँ कांच के। अच्छा ये बताओ ना, अगर आपने मुझे ये दिए नहीं ना, फिर देख लेना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, मैंने कह दिया नहीं ला के दोगे, नहीं ला के दोगे है मत करो, ले जाओ वापस, तो कह रहा हूँ नहीं ले रही मैं वापस, अब तक बड़ा छेद करा ले आऊंगी मैं, खाली थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ था उसको पूरा ही कर दिया छेद, उसको वो भी करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा। अच्छा इसको देखो मैडम कितनी चाची बैठी है, ये नया ये आजकल ही मंगाया ना आपने नया कांच के, वो करने वाला कांच में हो गया, ये जैसे कप वाले में छेद करने का हो गया, ये सब स्मोकिंग इनकी नजर ना मेरे सारे बर्तनों में, और ये भी आप ही नहीं तोड़ा इस बार, अभी ना इन्होंने मेरा इतना नुकसान किया है, मेरे इसमें से दो कप गिरा करके तोड़ रही है, और एक तो पूरा चूरा चूर कर दिया, और ये इस बार मेरा बहुत बर्तन भी टूटे हैं। और क्या तोड़ा तुमने इसके अलावा? हैंडल टूट जाएंगे उनका अपना छेद करके, इसका भी सही करूंगा फिनिशिंग करके, फिर इसमें बोएंगे वाले कुछ ना कुछ, हाँ इसे सजा करके ना हम ऐसे रख सकते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ जो हमारा सूटकेस है छोटा साला, सही है टूटे फूटे आइटम को भी करो यूज करो, पर नया लाके भी दो उसके अलावा, नया लाके देंगे नहीं बस, कौन सी डिजाइनदार बोतल बस, अगर किसी को करवाने हैं तो वो भी करवा सकता है, चले गए। तो ये रहा हमारा लंच, श्रेया ने कल मटन बनाए थे, पर श्रेया ने इसमें ना मिर्च विर्च बिल्कुल भी नहीं डाली, क्योंकि भैया खाता भी नहीं है, तो अभी सुबह मैंने इसमें मिर्च डाल दी है, थोड़ी चटपट कर दिया, पता नहीं कितना चटपट हुआ है। तो अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं अपना लंच, ये रही श्रेया, स्कूल नहीं गई आज, आँखें नहीं खुली, ये मत भूलो कि तुम लोगों की मैडम भी मेरा व्लॉग देखती है।
आगे नहीं खुली, ये जाएगा हूँ मैम। वो दिया कि मैम देखती है क्या पता तेरे घर का तो मतलब ही नहीं है। तुम्हारा ऐसे ही होता है बर्थडे। यहाँ पे देखिए मेरा बर्थडे गिफ्ट आज आया है, जिस दिन बर्थडे था उस दिन नहीं आया, पर आज आया। आराम से खोलना, हाँ उल्टा खोल लो जानू, आराम से बैठना। तो बर्थडे गिफ्ट में क्या निकलने वाला अभी देखना जरा। इसकी मुझे बहुत जरूरत है। शिवा तो अभी जस्ट पहुँचा है उनका पार्सल। एक बार पहले भी मंगाया था हमने, टूटा डाटा आया था हमने, वहाँ रिटर्न करा था। मतलब अभी बोले तो एक साल का जीवन हो गया, अभी नया मंगाया। ये मंगाया है वैक्यूम क्लीनर, इसलिए क्योंकि मुझे सफाई की बहुत ज़रूरत है बोले इसके शेयर वाला। तो ये डीप क्लीनिंग करेगा हमारे घर की। चुप रहा, मम्मी बुढ़िया हो गई। मम्मी बुढ़िया हो गई तो ये सफाई कर देगा ज़रा। मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ लंच, और यहाँ पे अनबॉक्सिंग चल रही है वैक्यूम क्लीनर की। तो आज काम हो रहा छत पे, केमिकल लग चुका है, पुट्टी लग चुकी है, साथ में प्राइमर भी लग रहा है। पूरा पेड़ पौधे ऐसे फैला रखे हैं, बीच में रख रखे हैं। ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं फिलहाल। चाय बना दी थी हमें, ठीक जो आपके लिए कॉफी ना। छुपी है सारे रेलिंग से पेड़ पौधों के बीच छत पे आ चुके हैं। चलो 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 चाय बनाएंगे। सैंडी ने भी कलर करा, सैंडी देखा है पूरा कलर लग गया ब्लू कलर। कितना खाली खाली लग रहा हमारा है सैंडी का। चलो 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 अच्छा 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 अच्छा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, तो अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनका लंच बॉक्स बना के तैयार कर दिया है मैंने, और मैं हूँ अभी बच्चों के रूम पे। क्योंकि जो बच्चों के रूम पे जो सेल्फ है ना वो लग रहे हैं, आगे स्ट्राइक के पापा से सेल्फ लगा रहे, खुद ही लगा रहे। पहले ये सेल्फ जो था इसके अंदर था, इस रैक के अंदर था, तो इसमें से निकाल के अब काट के आधा सेल्फ बच्चों शेयर किया उसमें, आधा सेल्फ दिया गया उसमें लग रहा है। और वो भी पतिदेव खुद ही लगे पड़े हैं सुबह से इसी के पीछे। और अभी जैसे बजा है 7:30, अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा सा आजकल हमारा घर वैसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सेल्फ तैयार हो रहा है श्रेया का। ये रहा टेबल कप है, हाँ सीधा हो रहा है, थोड़ा वहाँ से उठा ऐसा खुला हो रहा है, नहीं थोड़ा सा नीचे करो अपने साइज, थोड़ा नीचे करो। बाबा अब आप देखो, मैं पकड़ती हूँ सीधा, हाँ नहीं लाऊंगी। अब देखो सीधा दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा है, सीधा है ना, मैंने पकड़ा है, निशान लगा लो। छोड़ो छोड़ दिया, अब हट दिया का लग गया। दूध चाय लेके आई हूँ पे ले, वो खाड़ा था तुमने थोड़ा सा। निशान खो गया, दोबारा देखते हैं, निशान फिर से गड़बड़ हो गया, नहीं टेढ़ा हो रहा है। तो नीचे करो थोड़ा सा नीचे, किसका देखो ठीक है। तो अभी यहाँ पे लाके बन के तैयार हो चुका है, 9:30 हो चुका है। काम तो जोरों शोरों से चल रहा है, पर मैं ढीली पड़ गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं हो रही है। बैक पेन हो रहा है, अलग हो रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है, ये हाथ और दर्द हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने लंच में बनाया है आज, भटके डुबके बने हैं, तड़का मैंने लगा दिया है डुबके पे, और इधर बनी है लौकी की सब्जी,
बाकी गैस बंद है फिर भी पक रही है देखिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनी है। चावल उनके रेडी हो चुका है और जो यहाँ पे बैठी है, क्योंकि पेंटर भैया लोग ने इसको डरा रहे हैं तो ये डर के मारे बाहर जा ही नहीं रही उनके पास। और कितनी गंदी हो रही है जो इसको नहलाना है यार, कब नहलाऊँ समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही हो जाएगी अभी नहला करके, तो एक आध दिन में नहलाते इसको भी और सैंडी को, दोनों को। अभी 1:45 हो रहा है, हमने आज अभी तक लंच नहीं किया है, नहा धोना कर लिया है क्योंकि काम में लगे शरीर पापा, बहुत अच्छा हो गया। सुबह मैंने आलू की गुटके और पूरी बना दी थी, तो 2 पूरी इन्होंने खाई थी, 1 पूरी मैंने खाई थी। और बच्चों को आने का टाइम होने लग गया है, अब से लगता है बच्चों के साथ ही करना पड़ेगा लंच आज। मैंने तो नहा धो कर लिया, शरीर पापा जा रहे तो नहा धो भी नहीं कर पाया अभी तक, टाइम ही नहीं है। उनको छत में काम चल रहा है जोरों शोरों से। ये देखिए रेलिंग में से पत्थर लगा दिया। हाँ तो क्या लगाते, 2 बज गया, खाना खाते हैं, भूख लग गई मुझे तो। बच्ची भी आ गए स्कूल से, पूरी यहाँ से लेके पूरा पत्थर लगा दिया, उधर भी लग गया। ये देखिए, हाँ हाँ पैर कटेगा नहीं तेरा। ये देखिए पूरा ऐसे पत्थर लग गया, टाइल टाइल नहीं पत्थर, सॉरी टाइल कह रही। कहाँ? अच्छा उसमें, हाँ सही करा है वो लगा के, हाँ सही है। बच्चे और बच्चे खत्म हो गए, सही है। चलो यार खाते हैं। तो अभी बच चुका है करेक्ट 2 और ये रहा हमारा लंच आज का। मैंने ले ली कढ़ाई, पति देव ये पहुँच चुके हैं स्कूल से बच्चे। नहीं ना सुबह से टाइम ही नहीं हुआ है बिल्कुल भी, आप भूखे में मुझे भी हो सर कढ़ाई देख के ना दूसरे का मुँह देखो। जॉय करते हम लोग फटाफट लंच का। पतिदेव ने मेरे अभी एक पॉट में लगा दिया, जो पॉट उसने कहा जाने से निकल गए तो खा रहा है। अच्छा मैंने सोचा निकल गया, अभी मैंने हिलाया तो निकल गया। मनी प्लांट आ दिया, चलिए दूसरी भी आ गई। क्या हो गया था? चलो एंजॉय करते हैं कैमरा आज बाम वाला। क्या आज बाम वाला सिंगर आ रहा है जिसने हम गुलाबी शरारा नहीं गया? हाँ वाला सिंगर। अच्छा तो अभी बच चुके हैं शाम के 3:30, भैया कर रहे हैं मुमती में कैसे कैसे स्टैच लगा रहे हैं भैया, वो देखो तेरा तो एजेंडा लगा करके डंडे से, ये सही है। मौसम भी चेंज हो रहा है, बादल आ गए क्यों? तो अभी मैं आ चुकी हूँ रूम पे और अभी थोड़ा मैं बहलों के लिए चाय नाश्ता बनाते हैं। और मौसम थोड़ा सा ठंडा ऐसा हो गया, बादल हो गए और नहाया ना तो नहा करके मुझे ठंडा भी लग रहा है। तो ये एक छोटा सा बाउल टाइप का ढक्कन का कैंडी बाउल है, ये मुझे गिफ्ट दिया है गौरव ने, गौरव लेके आया था मिलने, तो थैंक यू गौरव बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए। तो इसको मैं डाइनिंग टेबल में रख दूँगी इस तरह से। भाई लोग चाय का टाइम हो रहा है तो फटाफट थोड़ी देर बनाते हैं चाय, और काम चल रहा है जोर शोर से, पर मेरी थोड़ा तबियत ठीक नहीं होने के चक्कर में थोड़ा सा मैं लेट लतीफ़ हो गई हूँ काम में, सामान सुबह करने में। पता नहीं क्यों ठंडा ऐसा लग रहा है, पता नहीं बुखार आता है क्या होता है। तो बस इसी के साथ ब्लॉग की पेंडिंग करती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।